यह कि मैं निरंतर पार्टी हित में पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करता रहूंगा। ऐसा कुछ अचानक नहीं करूंगा जिससे पार्टी के उद्देश्य और छवि धूमिल हो। अगर ऐसा पाया जाता है तो पार्टी प्रमुख अनुशासनात्मक कार्रवाई करने हेतु स्वतंत्र व सक्षम होंगे। नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर आज की बात करें तो आज बीजेपी ने एक बड़ा फैसला लिया है। मुकेश सहनी को एक तरीके से जवाब देने की कोशिश की है। मुकेश सहनी लगातार जो है आरक्षण की मांग के साथ साथ सहनी समाज को अधिकार दिलाने के लिए पूरे बिहार और यूपी की यात्रा कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ आज बीजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक चला है जिसके तहत उन्होंने सम्राट चौधरी को बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के पद से हटा करके उनकी जगह पर हरी सहनी को जो है ये मौका दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के इस कदम को बड़ा माना जा रहा है। ऐसे में अब मुकेश सहनी का बयान सामने आ गया है। इस पूरे मामले पर मुकेश सहनी ने हरी सहनी का एक पुराना वीडियो जारी करते हुए उनके शपथ को दिखाया। वो शपथ क्या कुछ वो ले रहे थे वो आपको आगे दिखाएंगे। मुकेश सहनी ने जो बयान दिया है उसके मुताबिक, हरी सहनी जी, आपको विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए बधाई। निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा से घबराकर भाजपा ने आपको ये दायित्व दिया है, यह आप भी भली भांति जानते हैं, लेकिन साथ में ये भी याद रहे कि ये दायित्व जो आपको मिला है वो निषाद समाज की जागृति की वजह से मिला है। इस बात पर ध्यान रहे कि आप ऐसा कुछ ना करें कि जिसके बाद कारण समाज के आरक्षण की लड़ाई खत्म हो, क्योंकि आपने ईश्वर एवं अपने पूर्वजों को साक्षी मान करके शपथ लिया था कि विकासशील इंसान पार्टी का हर निर्णय के आप साथ रहेंगे। ये बातें कही है मुकेश सहनी ने। तो आपको सुनाते हैं कि हरी सहनी का वो पुराना वीडियो क्या है जो जब वो वीआईपी पार्टी में शामिल हो रहे थे तब उन्होंने शपथ जो है वो लिया था। उसमें वो किस तरीके से अपनी निष्ठा मुकेश सहनी की पार्टी की तरफ व्यक्त कर रहे थे, उस वीडियो के सहारे मुकेश सहनी ने उनको अपनी पुरानी कसम को याद दिलवाया है। मैं हरी सहनी, पिता स्वर्गीय वासु सहनी, ईश्वर एवं अपने पूर्वजों को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि यह कि मैं पूर्ण स्वस्थ मानसिकता से विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी की सदस्यता ग्रहण किया हूँ तथा पार्टी का उद्देश्य नियमावली में विहित शर्तों से पूर्णतः सहमत हूँ। यह कि मैं निरंतर पार्टी हित में पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करता रहूंगा। ऐसा कुछ अचानक नहीं करूंगा जिससे पार्टी के उद्देश्य और छवि धूमिल हो। अगर ऐसा पाया जाता है तो पार्टी प्रमुख अनुशासनात्मक कार्रवाई करने हेतु स्वतंत्र व सक्षम होंगे। यह कि मुझे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा विधानसभा की उम्मीदवारी सौंपी जाती है और मैं विजयी होता हूँ तो अपने वेतन के 75% पार्टी हित में विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के कोष में जमा करने हेतु अथवा समाज हित में खर्च करने को बाध्य होऊंगा। यह कि विजयी होने के उपरांत विधायक कोष से संभावित विकास कार्य के क्रम में सरकारी नियमों के अनुपालन के साथ साथ प्रधान कार्यालय के निर्देश के अनुरूप प्राथमिकता दूंगा। यह कि अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के हरेक लॉफुल निर्देश का अनुपालन करूंगा और पार्टी उत्थान के लिए निरंतर कार्य करते रहूंगा। यह कि विधायक कोष से मेरे विजयी होने के उपरांत की जाने वाली विकास कार्य में निविदा मुक्त कार्य को छोड़कर अन्य सभी कार्य में शीर्ष नेतृत्व के अनुरूप अपने पार्टी के कार्यकर्ता को प्राथमिकता दूंगा। यह कि किसी भी स्थिति परिस्थिति में पार्टी के साथ रहूंगा, त्याग पत्र नहीं दूंगा। यह कि विपरीत परिस्थिति में भी प्रत्यक्ष समाज एवं पार्टी का अहित पक्षपात नहीं करूंगा। यह कि पूर्ण स्वस्थ मानसिकता से मैं बिना किसी दबाव व भय के शपथ ग्रहण कर रहा हूं।
धन्यवाद। चलिए बधाई हो, आप हमारे विजयी होकर आइए, हम लोग का सुभाषी से पूरा पार्टी पूरा सिस्टम आपके साथ है। अपार बहुमत से विजय होकर के आप आइए, स्वागत। सुनो।